एडवर्टाइजमेंट, वो जिससे कई लोग इरिटेटेड होते हैं और कई लोग इससे पैसे भी कमाते हैं। मगर कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान जिंदगी भर बना लेते हैं, जैसे कि ये। वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई मिसेज, बढ़िया है, है? वाह सुनील बाबू, नया घर, नई और नई, बढ़िया है सुनील बाबू, मिसेज सुनील बाबू। ये एडवर्टाइजमेंट इतना फेमस है कि इसका डायलॉग मूवीज में तो क्या हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात अपने फेवरेट शो या सीरियल की करें तो हम उसे अच्छे से बिना डिस्टर्बेंस के देखना पसंद करते हैं, मगर बीच में आने वाले एड्स हमारे मजे को इस तरह खराब कर देते हैं जैसे कोई कबाब में हड्डी। मगर इन सब से हटकर कभी कभार कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें हंसी आ जाती है, और कभी कभार तो हम किसी खास एडवर्टाइजमेंट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और हम उस एड का आने का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। आज हम ऐसे ही 5 एड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें देखकर हर कोई हंसे बिना नहीं रह पाया है और इन्होंने हमारा मन मोह लिया है। मूवीज फोबिया ट्राई टू लिस्ट आउट टॉप 5 मोस्ट फनी एप्स। नए व्यूअर्स जरा चैनल सब्सक्राइब तो कर दो और बगल की घंटी बजा दो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यू नो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुंडी डांस एड्स ऑफ OLX। बेटा थोड़ा ओट्स तो खा ले ग्रेप्स के साथ। नो थैंक्स मॉम। पापा वो कॉलेज जाने के लिए स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, थोड़े और पैसे मिल जाते तो। व्हाट ना 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 मुन्ना ना, पहले मार्क लेकर आ तू बेटा, अपनी ना चला तू बेटा, जितने पैसे दिए उसमें बाइक लेके आ तू बेटा। नो वे डैड। क्यों, मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल लेके दी थी पास होने पर, तुमने कौन से तीर चलाए? भैया एक्स्ट्रा टेंशन चाहिए, अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल के OLX पे बेच दे, बस क्लिक कर अपलोड कर, फिर चैट कर और सेल कर, बस OLX ऐप डाउनलोड कर। ये मुंडी कब तक हिलानी है? पता नहीं, जब तक एड खत्म नहीं हो जाती। अमूल बॉडी वार्मर 2011 में आई एड्स काफी मजेदार है, जल्द देखिए। इतना शोर क्यों है? सब अस्त व्यस्त हो चुका है बाबूजी। वो इधर ही आ रहे हैं क्या? ये मैं नहीं होने दूंगा। आप बीच में मत आइए। और कोई रास्ता नहीं? यही एक रास्ता बचा है बाबूजी, हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी। अरे ये हमारे पुरखों की आखिरी निशानी है, कुछ तो ख्याल करो, अन्याय है। संभाल के इस तरफ ले आओ, ले आओ। काश इनके पास होता अमूल बॉडी वार्मर, सर्दी से बचने का सबसे लल्लनटॉप तरीका। आज का तो हो गया, कल क्या होगा? कल अमूल बॉडी वार्मर। ग्लाइकोडिन, इस एड को तो कई अवार्ड भी मिले हैं। आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा। बच्चे का नाम वाह, क्या नाम है बाबा? हो गया हो गया, जाओ नस्तोगी। ओ, 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 ओ,
यस मिस। बाय। हाँ जी। कुछ नहीं। घर चलाना। बाबा, होता है। जी बाबा। इसका नाम होगा। ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम बाबा। बाबा क्या नाम दिया है? खांसी। मॉस्किटो क्लैपिंग सॉन्ग एड्स, ऐसा एड जिन्होंने तालियों से एक म्यूजिक बना दिया है। हिटाची एसी एड्स, एक ऐसा एड जिन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। मंगलयान पर बैठ के धरती पर आया ये एलियन। बाल देखे इसके लाल। सूरज की अम्मा सूर्य वंशम देखी रही 150 बार। तभी ना पैदा हुआ है सूर्य वंशम। मासूम सूरज अपनी गर्मी से अनजाना था, आइसक्रीम खाने के लिए दीवाना था। सॉफ्टी पकड़ता तो जल जाती और दूध की कुल्फी पिघल जाती। घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही। तू हमारा हाथ जला देता है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही, पर भाई हौसला तो रखना था। भाई बच्चा भी तो अपना था। ठंडे को गर्म करना, बाल्टी के पानी को बॉयल करना, बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी कभी मस्ती में डेयर डेविल बनना। मम्मा, सूरज ने मेरा रॉकेट जला दिया। फेस पे कल्लन के खेत की मुल्तानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल, पीठ पे शाहरुख का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बर्फ डिपो का आइडिया भी भाप बन गया। माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया। मंदिर की घंटी, चर्च में फादर बंटी, गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ और दरगाह की कवालियाँ, पर सूरज ज्यों का त्यों रहा मियाँ। बस अब लास्ट रिजॉर्ट है इसकी शादी। शायद इसी से इसी गर्मी निकल। लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी। सूरजमुखी शर्माते हुए भजिया तल रही थी। इतने में लड़की के पप्पा छिल्लर जी बोले, तो चक्रवर्ती साहब रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड, छिल्लर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड। सुनकर छिल्लर जी फिर से बोले, बस इतनी सी बात। बेटा सूरजमुखी, अरे सबका मुंह मीठा कराओ भाई। सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई। थैंक यू। ले लीजिए। बट इस बार सूरज की कुल्फी ना पिघल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई, मम्मा भैया ठीक हो गए। रिश्ता पक्का हो गया, सूरज वाकई चंगा हो गया। इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें आपके अपने चैनल मूवीज फोबिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।